हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी न्यूज। आज हम ग्वालियर के किले के बारे में जानेंगे जो एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। भारत के सबसे सुंदर किलों में से एक है और अपने महान वास्तुकला और समृद्ध अतीत के लिए जाना जाता है। किला अपने इतिहास में कई अलग अलग शासकों द्वारा नियंत्रित किया गया है और यह अब एक पुरातात्विक संग्रहालय है। तो इस किले से जुड़े और भी रोचक तत्वों के बारे में जानेंगे, सो लेट अस स्टार्ट। ग्वालियर के किले का अस्तित्व कम से कम 10वीं शताब्दी से पहले का माना जाता है और जो अब किला परिसर है उसके भीतर पाए गए शिलालेखों और स्मारकों से पता चलता है कि यह किला 6वीं शताब्दी के शुरुआत में भी मौजूद था। यह किला मध्य प्रदेश में गोपाल चट्टानी पहाड़ी पर विंध्यन बलुआ पत्थर की एक चौकी पर बना हुआ है। इस किले को भारतीय पहाड़ी किलों का मोती कहा जाता है। इस किले का निर्माण कछुआ शासक सूरजसेन नाम के एक स्थानीय राजा ने करवाया था और सूरजसेन ने ही इस किले पर पहले शासन किया था, जिनके नाम का प्राचीन सूरज कुंड किले में स्थित है। इस किले में एक मान मंदिर महल भी है जिसका निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा मान सिंह तोमर द्वारा करवाया गया था। इस महल में एक गुजरी महल भी है जिसका निर्माण रानी मृगनयनी के लिए करवाया गया था। लाल बलुए पत्थर से बना यह किला शहर की हर दिशा से दिखाई देता है। एक ऊंचे पठार पर बने इस किले तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं, एक ग्वालियर गेट है और दूसरा उरवाई गेट। इस किले के भीतरी हिस्सों में मध्यकालीन स्थापत्य के अद्भुत नमूने स्थित हैं। इस किले में स्थित एक छोटे से मंदिर की दीवार पर सोने बनाया गया है जो सोने के लेखन का दूसरा सबसे पुराना ज्ञात उदाहरण है। यह सोने आज से लगभग 1500 वर्ष पहले बनाया गया था। यह किला मैदानी क्षेत्र से 100 मीटर ऊंचाई पर है। किले की बाहरी दीवार लगभग 2 मील लंबी है और इसकी चौड़ाई 1 किलोमीटर तक है। किले की दीवारें एकदम खड़ी चढ़ाई वाली हैं। यह किला उथल पुथल के युग में कई लड़ाइयों का गवाह रहा है, साथ ही शांति के दौर में इसने अनेक उत्सव भी मनाए हैं। किले में आयोजित किए जाने वाले आयोजन भव्य हुआ करते हैं। ग्वालियर के एक शिलालेख में 6वीं शताब्दी में हूणा सम्राट मिहिर कुला के शासनकाल के दौरान निर्मित एक सूर्य मंदिर का वर्णन है। तैली का मंदिर जो अब किले के अंदर स्थित है, वे 9वीं शताब्दी में गुज्जर प्रतिहारों द्वारा बनवाया गया था। 11वीं शताब्दी में मुस्लिम राजवंशों ने कई बार इस किले पर हमला किया है। गजनी के महमूद ने 4 दिनों तक किले की घेराबंदी की। कुतुब अल दिन ऐबक जो बाद में दिल्ली सल्तनत का शासक बना, उसने भी लंबी घेराबंदी के बाद किले पर कब्जा कर लिया था। ये किला कुछ समय के लिए तोमर के शासकों के नियंत्रण में भी रहा। तोमर के शासकों में सबसे प्रतिष्ठित मान सिंह थे जिन्होंने किले के भीतर कई स्मारक बनवाए। इस किले पर सिकंदर लोदी ने भी कब्जा करने की कोशिश की लेकिन वो असफल रहा। सिकंदर लोदी का बेटा इब्राहिम लोदी ने इस किले पर हमला किया और इस किले को अपने नियंत्रण में करने में कामयाब रहा। ग्वालियर का किला हेमू के कई अभियानों का आधार था। इस किले पर मुगलों का भी नियंत्रण काफी समय तक रहा, जब तक कि मराठों ने इस पर कब्जा नहीं कर लिया। जल्द ही इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में दे दिया गया। इसके बाद मराठों और अंग्रेजों के शासन के बीच कई विद्रोह हुए। अंत में 1844 में ब्रिटिश सरकार के रक्षक के रूप में ग्वालियर के मराठा सिंधिया परिवार ने किले पर कब्जा कर लिया। 1857 के विद्रोह के दौरान किले ने महान युद्ध देखा जिसमें रानी लक्ष्मीबाई झांसी से ग्वालियर तक लड़कर आई और किले के अंदर आश्रय की मांग की। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया और इस युद्ध में इन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया और अंत तक 1947 में जब तक भारत को स्वतंत्रता नहीं मिल गई, सिंधिया राजवंश ने शहर पर शासन जारी रखा और कई स्मारकों का निर्माण किया। अब जानते हैं इस किले में बने कुछ प्रमुख स्मारक के बारे में। जैन मंदिर। सिद्धचल जैन मंदिर गुफाएं 7वीं से 15वीं शताब्दी में बनाई गई थी। ग्वालियर किले के अंदर 11 जैन मंदिर हैं, जो जैन तीर्थंकरों को समर्पित हैं। ये मंदिर चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं। तैली मंदिर। तैली का मंदिर एक हिंदू मंदिर है। यह किले का सबसे पुराना हिस्सा है और इसमें दक्षिण और उत्तर भारतीय स्थापत्य शैली का मिश्रण है। इसमें एक मधुकोश डिजाइन है जिसमें एक मेहराब के भीतर नुकीली मेहराबों का श्रृंखला होता है। इस मंदिर के पास एक गरुड़ स्मारक है जो विष्णु को समर्पित है। किले में सबसे ऊंचा है। इसमें मुस्लिम और भारतीय वास्तुकला का मिश्रण है।
हाथी पुल गेट है जो दक्षिण पूर्व में स्थित है, जो मैन मंदिर की ओर जाता है। इसका निर्माण पत्थरों से किया गया है, जिसमें बेलनाकार टावरों के साथ गुंबदों का ताज है। कड़ महल। ग्वालियर किले में कड़ महल एक और महत्वपूर्ण स्मारक है। कड़ महल का निर्माण तोमर वंश के दूसरे राजा कीर्ति सिंह ने करवाया था। उनका दूसरा नाम कड़ सिंह था, इसलिए इस महल का नाम इनके नाम पर पड़ा। विक्रम महल। इस महल को मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। इसका निर्माण महाराजा मान सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने किया था। यह मंदिर शिव जी को समर्पित है। मुगल काल के दौरान मंदिर को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन अब इसे विक्रम महल के सामने खुले स्थान में फिर से स्थापित किया गया है। भीम सिंह राणा की छतरी। यह छतरी गोहद राज्य के शासक भीम सिंह राणा के स्मारक के रूप में बनवाया गया था। इसे उनके उत्तराधिकारी छत्र सिंह ने बनवाया था। इस छतरी को तब बनवाया गया था जब अली खान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। भीम सिंह ने किले में एक स्मारक के रूप में भीमताल बनवाया था और छत्र सिंह ने भीमताल के पास इस स्मारक को बनवाया था। सहस्त्र बाहु मंदिर। इस मंदिर को सास बहु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण कच्छप घाट वंश द्वारा किया गया था। यह मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है। इसका आकार पिरामिड की तरह है, जो लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इसमें कई बीम और स्तंभे हैं, लेकिन कोई मेहराब नहीं है। तो ये थी ग्वालियर किले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।